वंस अगेन ई खुली कचहरी में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वंस अगेन डॉक्टर सैयद कलीम इमाम, इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। एपीओ ताहिर खान, M2 नॉर्थ बीट नंबर 5 से। जी ताहिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आईजी साहब से सर एक रिक्वेस्ट करनी है। जी बताइए सर। मैं जो है ना बीट 1 M1 से ट्रांसफर हुआ था M2 नॉर्थ बीट 7, उसमें 9 महीने गुजर गए और मेरा ट्रांसफर डीआईजी साहब नहीं कर रहे। बिल्कुल, आपका केस मैं आज ही जीआईजी हेडक्वार्टर साहब से पूछूंगा और हम जल्द इसका मदावा करके इस मसले को हल करेंगे। सर एपीओ मोहम्मद सुल्तान साउथ जोन से सेक्टर 1 से बात कर रहा हूँ। जी सुल्तान साहब। सर 2019 में ऑन डेपुटेशन पीएपी ज्वाइन किया था जब आप आईजी सिंध थे सर। ठीक है। तो सर अब जब हम सिंध पुलिस में थे तो हमें रिस्क अलाउंस मिल रहा था। ठीक है। जैसे दूसरे सूबों में मिल रहा था सर, हमें मोटरवे जब जैसे ज्वाइन किया तो हमारा वो काट दिया गया जबकि दूसरे जोन में मिल रहा है। बिल्कुल, इस पे हम काम कर रहे हैं सुल्तान साहब और हमने गवर्नमेंट से हमने इल्तजा की हुई है कि हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए और हमें पूरी उम्मीद है हमारी बात बहुत जल्द मानी जाएगी। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब? सर पीओ समीउल्ला सर बात कर रहा हूँ, N5 नॉर्थ 1 से बीट 3 कैमरा से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट थी, मैंने एप्लीकेशन भी दी है कि मेरे कोई लोन का इशू था तो मेरी एप्लीकेशन आगे गई भी नहीं है, कोई पता नहीं चला, तो उसके लिए सर मैं बहुत मेरी फाइनेंशियली हालत ख़राब थी, तो मेरे घर का कोई इशू था सर, घर बनाना था, तो वो बहुत सर मैं परेशान हूँ, मेरे पास और कोई जरिया भी नहीं है आप तक सर पहुँचने का, आपको रिक्वेस्ट देने के लिए। देखिए आप, तो मैंने कॉल कर... की हमने आपकी कॉल सुनी, बिल्कुल आप हमारे तक पहुँच सकते हैं, हम चेक करते हैं आपका केस किधर है, लेकिन आपको पता है लाइन लगी भी होती है, सब ने अप्लाई किया हुआ होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको लोन बने मिले ताकि आप जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं वो बना सके। जो अभी बताइए। वालेकुम सलाम सर। माजिद बात अर्ज कर रहा हूँ राहुल दिल्ली से, आप ठीक है? जी माजिद साहब वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके लिए नेक ख्वाहिशात है आपकी पूरी टीम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ये जेलम पे ना, जो पंजाब पुलिस ने ना चेक पोस्ट लगाई हुई। ठीक है सर, जाते हुए तो वो होते नहीं है लेकिन रुकावट बड़ी खतरनाक सी है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके पॉइंट बड़ा वैलिड है, मैंने भी कुछ जगह देखा है, मैं आज ही आईजी पंजाब के नोटिस पे लाऊंगा कि चेक पोस्टें जो है एक तो हटाई जाएं, जहां बहुत जरूरी है तो वहां जरूर पुलिस अफसर मौजूद हो। अब्दुल वली हैं और ये कहते हैं अवाम के मुतालिक जरूरी मालूमात अपनी वेबसाइट पे भी आप दिया करें ताकि उन्हें आसानी हो। बिल्कुल वली साहब, हम मुसलसल डाइवर्जेंस बता रहे होते हैं कि आज कहाँ कहाँ डाइवर्जेंस हैं, हम वेदर बता रहे होते हैं कि आज वेदर की कंडीशंस क्या होंगी, और इसी तरह साथ साथ हम लोगों को और भी अगर कोई सिक्योरिटी के कोई इश्यूज हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, वो भी मुसलसल हम बता रहे होते हैं अपने हम सफ़र ऐप पे, और हमारा मशवरा ऐप भी काम कर रहा है, आप हमें ज़रूर मशवरा दें ताकि हम मज़ीद अपनी चीज़ें अच्छी कर सकें। 130 मौजूद है, आप ज़रूर बताएं हमें, ट्विटर अकाउंट पे हमें ज़रूर बताएं। देखें हम आपकी खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का ये काम है। सर मोहम्मद शफी बात कर रहा हूँ, पुलिस कांस्टेबल मीरपुर खास। सर मेरा सवाल ये है कि सर मैं सिंध पुलिस में 2016 से अपॉइंटमेंट हूँ पुलिस कांस्टेबल। ठीक है सर, क्या डेपोटेशन पे सर मैं आ सकता हूँ? मेरी एजुकेशन LLB है और जो है मेरी हाइट है 5'11". बिल्कुल आप बिल्कुल आ सकते हैं आप, और आप फौरन एप्लीकेशन दें और हम आपको लेंगे और वहीं सिंध में ही आपको तैनात करेंगे और आपकी सलाहितों का भरपूर फायदा उठाएंगे। यासीन खान कहते हैं मोटरवे पुलिस के लिए जो वैकेंसीज है, जॉब्स है, वो कब आ रही हैं? अन करीब तकरीबन 3,000 से ज़्यादा के करीब हम लोगों ने भर्तियां करनी है, और आप तैयारी पकड़ें, आप अप्लाई करें, हमारी वेबसाइट्स विजिट करें, हमारे एडवर्टाइजमेंट देखें, क्राइटेरिया देखें, और अन करीब हम भर्ती करने वाले हैं, अगले चंद माह में आप देखेंगे कि हम अनाउंस करेंगे। सर अहमद गोंदल है, मोटरवे सर्विसेज एरिया में प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसके बारे में भी कोई एक्शन लें। जी हम इसने पहले भी कंपेन्स चलाई हैं, हम मजिस्ट्रेट्स को लेके गए हैं और मजीद हम कंपेन्स चलाएंगे कि वो लोग जो कि ओवर चार्ज करते हैं या सब स्टैंडर्ड चीज़ें बेचते हैं या रेट लिस्ट को फॉलो नहीं करते, हम उस पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مضبوط کرے کہ جو روزمرہ کے ہمارے جو چیلنجز ہیں ہم کو اوور کم کر سکیں اور زندگی اچھی گزاریں، ایک بیلنس شخص کی طرح گزاریں۔ سب سے درخواست ہے جب سڑک پہ آئیں انجوائے کریں، آرام سے گاڑی چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس، زندہ باد پاکستان، پائندہ باد۔